प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बतला रहा हूँ, नोट कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9425308111। आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आज मैं आपको मंगल और शुक्र के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। मंगल और शुक्र एक अजीब और गरीब ग्रह हैं। इनका एक साथ का युक्ति जीवन में बहुत सा आनंद देता है, बहुत सा नुकसान पहुंचाता है। इनके आपके जीवन में इनके खेल बहुत निराले हैं। मंगल शुक्र बहुधा अयाशी ग्रह है। सुंदर भोजन, सुंदर वस्त्र, सुंदर आवास, वाहन, स्त्री प्रिय बनाता है। 12 ग्रह होते हैं लग्न से लेकर के 12वें घर तक। आज मुख शुक्र और मंगल का प्रभाव मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर शुक्र मंगल लग्न में 4थे हाउस में, 7वें हाउस में, 12वें हाउस में, 10वें हाउस में हो तो इनका प्रभाव सुनिए। लग्न का मंगल शुक्र पारिवारिक जीवन सुखदायी नहीं होने देता है, चरित्र गिराता है, नशा पान कराता है। 4थे हाउस का शनि मंगल लड़की है तो कई पुरुषों से संबंध कराता है, लड़का है तो कई लड़कियों से संबंध कराता है। 7वें घर का शुक्र और मंगल है तो पारिवारिक जीवन बर्बाद करता है, गलत दिमाग में भावनाएं आती हैं। 8वें शुक्र मंगल अगर है तो मनुष्य को नशे पान का आदि बनाता है, पर स्त्रीगामी बनाता है, अपनी पत्नी के अलावा कई संबंध कराता है, वाहन सुख देता है, ऐशो आराम के तरफ ले जाता है। और बहुधा पाया गया है कि 8वें का मंगल शुक्र किडनी, लीवर, हार्ट संबंधी बीमारी देता है। 9थ हाउस का शुक्र मंगल ये भाग्य का उदय कराते हुए नोट रुपया अच्छा कमाएगा, मगर गलत संगत, गलत सोहबत की वजह से रुपये को आप एकत्रित करके सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। भाग्य घर 10वां हाउस का शुक्र और मंगल करोड़ों रुपए माता पिता का अगर मिला हुआ है तो उसको बर्बाद करा देता है, गलत लोगों की दोस्ती कराता है, गलत मित्र मिलते हैं और जुआ सट्टेबाजी की तरफ आकर्षित करता है। ग्रहमें घर का शुक्र और मंगल अच्छा कमाते हुए भी फालतू खर्च कराने के कारण जीवन में धन का संचय नहीं होने देता है। 12वें घर का शुक्र और मंगल एक कर्जदार बना देता है, आदत में आ जाता है कर्जा लेना, इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद कराता है और जेल तक ले जाने का नौबत आ जाता है। 2रे हाउस का शुक्र और मंगल ये अक्षमातिक धन की हानि कराता है, पारिवारिक विवाद कराता है, अपनों से दुश्मनी कराता है और विचारधारा, विचार को गंदा बनाता है। 5वें हाउस का शुक्र और मंगल, 5वें हाउस का शुक्र मंगल गलत शिक्षा दिलवाता है, कई प्रकार के शिक्षा को बदलते हैं, इच्छा अनुसार शिक्षा नहीं होने देता है, शिक्षा का लाभ नहीं मिलने देता है और विदेश में भी जाकर के धन की बर्बादी कराता है। दोस्तों, वैसे तो शुक्र मंगल के बहुत से प्रभाव हैं, मैं वीडियो में उतना नहीं दे सकता हूँ, मुख्य भावार्थ आपको मैं बताया।
और आपसे अनुरोध करूंगा कि जिसके भी कुंडली में शुक्र मंगल हो वो किसी विद्वान से निर्णय लें कि किस हाउस में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं हो कि जानकारी न होने के कारण आपका दाम्पत्य जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक प्रतिष्ठा बर्बाद हो। ये आपसे अनुरोध है, आप इस पर ध्यान देंगे। जय, धन्यवाद।